हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखते हैं जो फिल्म फेयर अवार्ड मिला है 66वां 2019 का, तो उसको हम देख लेते हैं, उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। सबसे पहले ये जानते हैं कि इसको कौन सा जो है मंत्रालय जारी करता है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। ठीक है, इसका प्रारंभ कब हुआ था? इसका प्रारंभ जो है 1954 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1954 में। यह प्रत्येक वर्ष वितरित किया जाता है, परंतु लोकसभा चुनाव के कारण इस वर्ष जो है 3 माह के विलंब से हुआ। ये वैसे अगर जनरली देखा जाए तो अप्रैल में इसकी घोषणा होती है। ठीक है, चलिए जो इसकी प्रमुख घोषणाएं हैं उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहला है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। बेस्ट जो डायरेक्टर का अवार्ड है वो आदित्य धर को मिला है। किसको मिला है? आदित्य धर को मिला है। किसके लिए? फिल्म उरी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस की बात की जाए तो कीर्ति सुरेश को मिला है। ठीक है, इसके अलावा बेस्ट एक्टर की बात करें अगर, तो बेस्ट एक्टर की जो का जो पुरस्कार है वो आयुष्मान खुराना को मिला है फिल्म अंधाधुन के लिए, और विक्की कौशल को मिला है उरी के लिए। ठीक है, नरगिस दत्ता अवार्ड किसको मिला है? कन्नड़ा फिल्म को मिला है। किस क्या नाम है उसका? ओने डल्ला इरा डल्ला। क्या नाम है? ओरे डल्ला इरा डल्ला। आगे चलते हैं, बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ ए डायरेक्टर। ठीक है, बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ ए डायरेक्टर किसको मिला है? सुधाकर रेड्डी को मिला है। किसके लिए? नाल के लिए। ठीक है, बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इश्यूज की अगर बात करें, सामाजिक मुद्दे पर अगर सबसे बेस्ट फिल्म की बात की जाए तो पैडमैन है। ठीक है, अगर बेस्ट फिल्म ऑन इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, जो पर्यावरण कंजर्वेशन है, उस पर अगर बेस्ट फिल्म की बात की जाए तो वो मराठी फिल्म है। कौन, क्या नाम है उसका? पानी। कौन सी फिल्म है? मराठी फिल्म। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बेस्ट सपोर्टिंग जो एक्टर है, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, ठीक है, वो कौन है? स्वानंद किरकिरे चुंबक के। ठीक है, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस की अगर बात की जाए तो सुरेखा सीकरी है। ठीक है, किसकी? बधाई हो। ठीक है, आगे चलते हैं। बेस्ट चाइल्ड अगर एक्टर की बात की जाए तो पीवी रोहित हैं। ठीक है, साहिब सिंह हैं, श्रीनिवास पोकले हैं और तलहा अरशद रेशी हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बेस्ट डायलॉग की बात की जाए तो वो है बंगाली फिल्म की। क्या नाम है उसका? तारीख। इसके आगे अगर बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट की बात की जाए तो तेलुगु फिल्म है कौन? अवे। उसके अलावा बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर की बात की जाए तो संजय लीला भंसाली। ठीक है, पद्मावत पे। बेस्ट लिरिक्स की बात की जाए तो यह है कन्नड़ा फिल्म नाथी चरामी। ठीक है, इसके अलावा बेस्ट कोरियोग्राफी की अगर बात की जाए तो है कृति महेश बिट्टे और ज्योति डी तोमर। किसके लिए? ये पद्मावत सॉन्ग में घूमर के लिए। बेस्ट कोरियोग्राफी के जो अवार्ड है वो घूमर के लिए मिला था पद्मावत में। किसको? उसको कृति महेश मिट्टे को और ज्योति डी तोमर को। ठीक है, इसके आगे चलते हैं, बात करते हैं। तो बेस्ट एक्शन की बात की जाए तो KGF। बेस्ट एक्शन की बात की जाए तो KGF। बेस्ट पंजाबी फिल्म की बात की जाए तो जो है हरजीता। बेस्ट पंजाबी फिल्म हरजीता है। बेस्ट असामीज अगर फिल्म की बात की जाए तो बुलबुल कैन सिंह। क्या है? बुलबुल कैन सिंह। बेस्ट मेल अगर प्लेबैक सिंगर की बात की जाए तो अरिजीत सिंह को। ठीक है, कौन है? अरिजीत सिंह। और किसके लिए? बिनते दिल। किसमें? पद्मावत में। ठीक है, अगर हम बेस्ट एडाप्टेड स्क्रीन प्ले की बात करें तो अंधाधुन। कौन है? अंधाधुन। इसके अलावा अगर हम बात करें बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले तो है ची ला शो। क्या है? ची ला शो। बेस्ट साउंड डिजाइनर की बात की जाए तो उरी। बेस्ट साउंड डिजाइनर की बात की जाए तो उरी। बेस्ट एडिटिंग की बात की जाए तो वो है कन्नड़ा फिल्म नाथी चरामी। ठीक है, नाथी चरामी। बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन की बात की जाए तो मलयालम फिल्म है। ठीक है, मलयालम फिल्म कुमारा ये संभवम। ठीक है, कुमार संभवम। इसके अलावा अगर बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर की बात की जाए तो तेलुगु फिल्म महानती। क्या है? महानती। बेस्ट तमिल फिल्म की बात की जाए तो बाराम। बेस्ट तेलुगु फिल्म की बात की जाए तो महानती। बेस्ट मलयालम फिल्म की बात की जाए तो सुंदानी फ्रॉम नाइजीरिया। ठीक है, बेस्ट उर्दू फिल्म की बात की जाए तो हामिद। ठीक है, बेस्ट हिंदी फिल्म की बात की जाए तो अंधाधुन। बेस्ट मराठी फिल्म की बात की जाए तो भोंगा। बेस्ट गारो फिल्म की बात की जाए तो मामा। बेस्ट राजस्थानी फिल्म की बात की जाए तो टर्टल। ठीक है, मोस्ट फिल्म फ्रेंडली अगर स्टेट की बात की जाए तो उत्तराखंड। इस बार कौन है? उत्तराखंड। ठीक है, बेस्ट डायलॉग की बात की जाए तो बंगाली फिल्म तारीख। बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट की बात की जाए तो वो बधाई हो।
ठीक है। तो ये रहा आज का हमारा पूरा डिस्कशन।